राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, इस देश में संविधान के आधार पर राजनीति नहीं हो रही है, रोज के रोज संविधान का उल्लंघन होता है। मैंने क्या देखना है? देखिए, ऐसा है कि इस देश पे कोई ऐसा संवैधानिक आधार संविधान के आधार पे यहां राजनीति नहीं हो रही, रोज के रोज संविधान का उल्लंघन होता है। कोई धर्म के आधार पे वोट मांगता है, वो कहता है कि भैया अगर हम जीत गए तो हम राम लल्ला का दर्शन करवा देंगे, आपसे पैसा नहीं लेंगे। ये कौन सी पॉलिटिक्स हुई? ये कौन सी पॉलिटिक्स हुई? और इसका मकसद क्या है कि हमें आप वोट दो तो रामलला के पास फ्री जाओ? ये तो कानून का उल्लंघन है, लेकिन कौन परवाह करता है? ना इसी परवाह करेगा, ना कोई और परवाह करेगा। और जब इलेक्शन पिटीशन फाइल होगा उससे 5 साल निकल जाएंगे, नया इलेक्शन आ जाएगा।